हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ इसका, और इसके अंदर क्या है वो भी मुझे नहीं पता। फिर से आई थिंक ये स्लेट पेंसिल ही है, ठीक है, क्योंकि कल वाले में भी ऐसे ही हुआ था और बहुत ज़्यादा भारी, शायद नहीं, शायद हाँ, मैं ऑर्डर तो करती हूँ बट भूल जाती हूँ मैं ऑर्डर ज़्यादा क्या की हूँ, पता नहीं। देखो अभी ये पार्सल है मेरे पास और अभी आना बाकी है मेरा पार्सल, अभी ऑर्डर और करना बाकी है, अभी मेरे पास स्टॉक भी खुला पड़ा है बहुत सारा जिसका रिव्यू वीडियो देना है। देखो अभी कंटेंट बहुत सारा है बट मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ तो बाहर ही उधर टाइम बीत जा रहा है। कोई बात नहीं, अब तो ज्योति दी नहीं है, ज्योति दी थी ना इसलिए मैं रात को वीडियो नहीं बना पा रही थी। अब मैं रात को सोऊंगी नहीं, रात को जाग करके मैं 3 वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि देखो रात को नींद नहीं आता है, सुबह को नींद भले आ जाता है, सुबह को बहुत नींद आता है, दोपहर में नहीं। जैसे कि रात को मैं अगर 2 बजे भी सोती हूँ ना तो 2 बजे करीब मेरे को 9 बजे 10 बजे तक सो जाऊंगी, बट ना अब मैं दोपहर में वीडियो बनाऊंगी और रात में वीडियो बनाऊंगी, और अब सोऊंगी नहीं और शाम में बाहर का वीडियो बना लूंगी, ठीक है, बस वीडियो 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 वीडियो, क्योंकि एक बार फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना फिर दिल्ली, तो फिर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और फिर यू ऑल नो कि क्या होने वाला है, सिर्फ पढ़ाई ही। बट भगवान तब तक कुछ तो कर देना यार, बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत, सच में गाइज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइज, बाहर जा कर के डांस वीडियो बनाना ये सब आई डोंट नो बहुत लोगों के नज़र में फालतू की चीज़ें हैं, बट स्टिल हर चीज़ में मेहनत लगती है। मुझे पता है कि मुझ पर कितना ज़्यादा प्रेशर है ना अभी, लाइक भाई डीप नेक है, फिर लोग बोलेंगे डीप नेक पहनी है ब्ला ब्ला। हाँ तो चलो अब अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि उसमें है क्या। मैं ना आज किसी आइटम्स का अनबॉक्सिंग करना चाहती हूँ, स्लेट पेंसिल का नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। अरे भाई मेरा तो और एक स्टॉक था, कहाँ गया वो? हाँ ये देखो, इसको तो भूल ही गई मैं, और देखो एक ये है भाई, इसको तो रिटर्न करने वाली हूँ, पहले से ही छू के पता चल रहा है कि चकना चूर हो चुका है, ठीक है, तो उसको मैं कल छत पे जाकर वीडियो बनाऊँ क्योंकि वो पूरा टूटा फूटा सा है, और कल वाले को भी मैं रिटर्न मार दी हूँ, रिटर्न का पैसा आ गया होगा ना, पता नहीं, छोड़ो ये सब चीज़ें, अब करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। और ऐसा बात नहीं है कि गाइस मैं जूठा करके रख देती हूँ या फिर निकाल के रख देती हूँ, बिल्कुल नहीं, बस मैं कल देखी थी, एक निकाली थी और उसका ना मुझे दिखाया जा रहा था कि वो भीम ब्रांड का है, मतलब जब मैं मंगाई थी तो मीशो पे दिखाया जाता है वो भीम ब्रांड का है बट मोगली ब्रांड का आ गया, तो मुझे एक रीज़न मिल गया। मैं रीज़न में ये डाली थी कि दूसरा ब्रांड बोल करके दूसरा ब्रांड दिया गया तो अप्रूव भी हो गया, और इतना सारा पार्सल मैं गरीब बन जाऊंगी इसलिए ना मैं सोची हूँ कि जूठा करके नहीं रखूंगी, बस ना निकाल करके रिव्यू दे करके उसको रिटर्न कर दूंगी, बाकी आगे का समझा जाए। आई नो कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है बट करना पड़ता है ना गाइस, बहुत लोग मुझे बहुत कुछ बोलेंगे बट कोई बात नहीं, मैं तो छोड़ो, चलो अनबॉक्स करते हैं। अब क्या अनबॉक्सिंग करूँ, यही करूँगी क्योंकि ये कल आया है, वो वाला जो है वो आज आया है बट ये कल आया है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस इस पार्सल का प्राइस है 169 रुपीज़, ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या निकलता है, क्या खजाना निकलता है इससे, अच्छे से करूंगी ताकि रिटर्न भी कर सकूं। देख लो क्या यूज कर रही हूं, ये बढ़िया। एक भी टूटा हुआ नहीं निकला है, एक भी नहीं। पता है जब मैं इसका रिव्यू चेक की थी ना तो पूरा टूटा हुआ था, और लोग मैसेज में ये लिखे थे कमेंट में कि डोंट बाय दिस प्रोडक्ट, ये बहुत टूटा हुआ निकला है। मेरा किस्मत ये सब चीज में अच्छा है। ओह माय गॉड, 1 2 3
फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, इसमें से एक भी टूटा हुआ नहीं है एंड इतना अच्छा स्मेल, इतना कंट्रोल जी कंट्रोल, इतना अच्छा प्रोडक्ट मीशो से मुझे पहली बार रिसीव हुआ है। पूरे सेलर लोग भी इतना अच्छा किटकैट मुझे कभी भी नहीं दिए, कभी भी नहीं, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसको मैं रिटर्न नहीं करूँगी, नहीं करूँगी ये ये देखो एकदम ये है पाउडरी पाउडरी सा है क्योंकि मुंह में लगने वाला है। एक बार ऐसे करूँगी ना, ये देखो ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है, इसको ऐसे करूँगी ऐसे। स्पून क्या छोड़ो, तुम खाओ स्पून ला दो तुम, मम्मी चम्मच, चम्मच दो चम्मच लाना, हम भी कहाँ एक और चम्मच लिया, हम भी खाएंगे। हाँ तुम बिल्कुल वाह, फ्रिज मेरे को उसको वेयर्ड कॉम्बिनेशन के साथ बनाना है। आय हाय ओए होए। गाइस ये तो केक खा रहा है, मुझे ये खाना है। सो गाइस अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए ना तो मुझे जरूर मैसेज करना, मैं इसका लिंक दे दूंगी। और हाँ, दिस इज ओनली अ अनबॉक्सिंग वीडियो, आप लोगों का इसका टेस्ट वीडियो कल सुबह के वीडियो में मिलेगा, ठीक है, इसी चैनल पे आएगा। छत पे जाकर के इसका कल मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगी और फिर आप लोगों को मैं इसका, गाइस आप लोगों को लगता है कि मैं ये मंगाई हूँ और नहीं खाऊंगी, मुझे ना इतना अच्छा लग रहा है देखने में, इतना ज़्यादा अर्दी लग रहा, कॉल आ रहा है क्या, इतना ज़्यादा अर्दी लग रहा था ना कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं वीडियो में तो नहीं दिखा सकती क्योंकि दिस इज ओनली अ अनबॉक्सिंग वीडियो, तो टेस्ट बता दूँ भाई साहब बहुत अच्छा है, सच बता रही, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा बस देखने में ही अच्छा लग रहा हो खाने में नहीं, बट दिस इज द परफेक्ट ब्लैक किटकैट जैसा एकदम होना चाहिए, एकदम क्या बताऊँ, कल बताऊंगी, ठीक है, कल के रिव्यू वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। समझ नहीं आता है कि अलग अलग पहाड़ होता है क्या, इसका अलग पहाड़ था क्या जो इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और एकदम हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रंची। कल के वीडियो में एक पूरा मैं क्रंच करने वाली हूँ इसको कल के वीडियो में, ठीक है, कल जो रिव्यू वीडियो आएगा ना छत पे जा करके मैं बनाऊंगी, उसमें आप लोग फिर साउंड सुनना, सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ कहाँ मैं थी, अगर आप लोग को लिंक चाहिए तो लिंक मांग लेना इंस्टाग्राम पे जाके आई जया, जल्दी जल्दी मांग लेना क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, ये मुझे पता है। एक बार जहाँ मैं इसको वीडियो अपलोड कर ली, इतने लोग आते हैं ना मांगने के लिए, एंड सच बता रही हूँ सेलर वाले ना पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं वो क्या ही करना चाहते हैं भाई, किटकैट का, ट्रायंगल का, ग्रुप्स का इतना साइज छोटा कर दिया है ना, मैं दिखाऊंगी आपको भाई, रियल किटकैट इसको बोलते हैं, इसको इसका साइज देख रहे हो कितना ज़्यादा लंबा है एंड थोड़ा सा ब्रॉड भी है। बाकी सेलर वाले क्या कर रहे हैं ना, लगता है ना कि मिनी आइटम बेच रहे हैं वो, मिनी मतलब किटकैट को इतना छोटा कर देंगे, ग्रुप को इतना छोटा कर देंगे, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, शायद उनको लगता है ना कि ज़्यादा आइटम देख के इंसान खुश होगा, भाई वही खुश हो सकता है ना जिसको ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं है। मुझे पता है ना, मैं एक 1 kg का अनबॉक्सिंग करूँगी, आप लोग देखना कि एज कम्पेयर टू मीशो वाले और सेलर वाले में कितना ज़्यादा फर्क रहता है, इतना छोटा छोटा करके बेचते हैं। जहाँ से मैं अभी तक ली हूँ ना बहुत जगह से, क्या हुआ ईशा, अकेले अकेले सुनने में कुछ आया, इसको हम तो किए थे लेकिन नहीं। गाइज ईशा आ गई, गाइज अब लोग आप मेरे वीडियो को, तो सेलर लोग से ना एक ही रिक्वेस्ट करूँगी मैं, जो जो छोटे छोटे बेचते हैं उनको कि यार छोटा छोटा मत बेचो प्लीज़, थोड़ा सा लंबा रहने दो थोड़ा सा, हाँ हाँ। तो बाकी ये देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा बिग था है ना, तो ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय। अभी जा रही हूँ वियर्ड कॉम्बिनेशन वाला वीडियो बनाने केक के साथ, एक और लाए हैं।